नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जो है, कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? मेरे क्वेश्चन देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो आज फिर से हाजिर हूँ डिटेल्स के साथ कुछ और क्वेश्चन आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पेन और पेपर लेके लिख के देखिए, पॉज कर करके बार बार रिवाइज करिए। और जो है, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा बहुत आग्रह है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर 4 शुरू हो रहा है, भारतीय लघु परंपरा जैन एवं पाल। तो इसका जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो यहाँ पर हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में लघु चित्रकला पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन विकसित हुई थी। पाल अवधि 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक बुद्धवाद के अंतिम चरण और भारत बौद्ध कला की साक्षी है। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा का तथा कला के महान केंद्र थे। पाल द्वारा सचित्र पांडुलिपियों की जीवित उदाहरणों में से अधिकांश का संबंध बौद्ध मत की वज्रयान शाखा से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी पाल सही हो जाएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में ताल पत्रों तथा बाद में कागज़ पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रसिद्ध कला को फराज से लेकर आया माना जाता है। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फराज से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस भव्य कला को बढ़ावा दिया। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रश्रय दिया। मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इन स्कूलों का को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हड़ौती स्कूल एवं ढूंढाड़ स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? तो यह ऑप्शन नंबर बी तालपत्र सही हो जाएगा, तालपत्रों पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? तो ऑप्शन नंबर बी तालपत्रों पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी पढ़ ली जाए। पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला पाल शैली थी। पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बनाए गए। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली से हुआ। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन ग्रंथों में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनवाया। महीपाल पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। उसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हैं। इन चित्रों की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां हैं। प्रज्ञा पारमिता, साधना माला, गंधव्यूह, करण देव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियों,
वोद पोथियाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल शैली के संरक्षक कौन थे। तो यहाँ पे पाल शासक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल पोथी चित्रों के का विषय है तो बुद्ध का जीवन चरित्र है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए पाल शैली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालयुगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है तो बौद्ध धर्म पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बौद्ध सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के में चित्रण का प्रमुख विषय क्या रहा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमन और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो ऑप्शन नंबर डी पाल शैली सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, धीमन और बितपाल पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन्हें पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, पाल चित्रकला बंगाल बिहार और नेपाल में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है, अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। नेपाल की पोथियों के चित्रों की मुखाकृतियों में अत्यधिक मंगोल प्रभाव आ गया है, जो नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी तालपत्रों पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी थोड़ी सी व्याख्या पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भारत में हुआ, जिसका क्षेत्र बंगाल बिहार आदि क्षेत्र रहा, पुनः नेपाल की तरफ से इसका विकास हुआ। पूर्वी भारत के पाल तथा सेन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियाँ चित्रित की गई हैं। यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के तालपत्रों पर तैयार की गई हैं। इन तालपत्रों की माप 22 सही 1/4 × 2 सही 1/4 इंच है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आगे लिखा था तालपत्र वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया, तो पाल राजवंश ने कराया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई, तो यहाँ पे पूर्व मध्य काल प्राकृत से आरंभ हुई है। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्य काल से आरंभ हुई। सर्वप्रथम यह ताल पत्रों पर लिखी गई 11वीं से 12वीं शताब्दी के में लघु चित्रों की परंपरा ज़्यादा तेज़ी से विकसित हुई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाल शैली के चित्र होते हैं तो यहाँ पे पोथियों में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में तालपत्र और बाद में कागज़ पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हैं। इस शैली के जो स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं वे बंगाल के पटचित्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा महीपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इनमें बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी देशों में फैलाया। पाल वंश के सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1807 ईस्वी में का चित्र इस समय का उत्तम उदाहरण है। पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र बंगाल बिहार और नेपाल हैं। चलिए इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी खत्म हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं,
तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी के ही किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए व्याख्या में पढ़ते हैं। सित्तनवासल का गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी तट पर सित्तनवासल नामक स्थान पर स्थित है। सित्तनवासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं तो तमिलनाडु में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी है जो कि हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। चलिए, सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह सित्तनवासल गांव पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सित्तनवासल सित तन ना वा यल तमिल शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है महान संतों का निवास। और जो है सेकंड हमारा नंबर है इसका, इसे अखिर कोइल तथा अरिहंत भी कहा जाता है। जैन शैली का प्रथम प्रमाण सित्तनवासल की गुफा में बनी उन 5 जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है जो 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के शासनकाल में बनी थी। यहाँ की सर्वोत्तम कृति एक राज दंपत्ति का चित्र है। पहले यह गुफा मंदिर पूर्णतया चित्रों से अलंकृत था, परंतु अब चित्र केवल छत व स्तंभ के ऊपर ही शेष रह गए हैं। चल नेक्स्ट जो है इसकी अभी थोड़ी सी और है व्याख्या, मुझे लगा अगला प्रश्न है इसको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके रख रखाव हेतु उत्तरदायी है। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुब्रली को ही है। चलिए, किंतु वह अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम T.S. गोपीनाथ ने देखा और उन्होंने इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जितनी प्राचीन वह गुफा थी। प्रसिद्ध कलाविद सी शिवराम मूर्ति ने इनको पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो सित्तनवासल गुफा में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर डैश की छवियां दिखाई देती हैं? तो कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ ली जाए। सित्तनवासल के बरामदे की छत में एक कमल वन का आलेखन है। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं। गोपुच्छाकृति इन फूलों का आलेखन बड़ा ही नयनाभिराम है। जो स्थान रिक्त हैं वहाँ मीन मकर और कच्छप जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं। पास ही हाथी भैंसे और पक्षियों के समुदाय भी हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते दर्शाया गया है जिसमें से 2 आकृतियों का रंग गहरा लाल व 1 पीला रंग है। चलिए अब हमारे जो है 2 और क्वेश्चन रह गए हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो सित्तनवासल गुहा चित्र असंबद्ध है इनमें से। इसकी व्याख्या देखिए, सित्तनवासल गुहा चित्र विकल्प के अन्य 3 गुहा चित्रों से असंबद्ध है क्योंकि सित्तनवासल एक गुहा
एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं में गुफाओं की संख्या एक से अधिक है। ठीक है, तो समझ में आया, ये नोट करते जा रहे होंगे आई होप आप लोग। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि का वर्णन है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली के उदाहरण हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की चित्र रचना थी। बाद में इस शैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोविंद रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती से प्राप्त किया। देखा आप लोगों ने किस तरह से आज के भी क्वेश्चन हमारे झटपट वाले खत्म हो गए। तो ये तो पढ़ने ही हैं, पीछे वाले भी रिवाइज करते जाने, आगे पार्ट पीछे पार्ट वाला नहीं करना है। तो चलिए फिर अपना जो है तैयारी जारी रखिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत योगा भी करिए, बहुत ज़रूरी होता है स्वस्थ तन के लिए, स्वस्थ मन के लिए। और खाने पीने का ख्याल रखिए। पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा मसाले तेल वाला खाना मत खाइएगा, इससे बहुत असर पड़ता है हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारे इंटेस्टाइन पे। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।